please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रात के अंधेरे में भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने एक शख्स के दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए, बाद में उसके साथ जमकर मारपीट की। जिस व्यक्ति को पीटा गया उस पर भीड़ ने इलाके से 10 मवेशियों की चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद मवेशियों की चोरी के आरोप में भीड़ ने अमर खान नाम के एक शख्स को दबोच लिया और बाद में उसे जमकर पीटा। सबसे पहले भीड़ ने आरोपी को सड़क किनारे झाड़ियों के पास लाकर बैठा दिया और बाद में उसके दोनों हाथ एक रस्सी से बांध दिए। ये रस्सी वहाँ मौजूद एक शख्स ने पकड़ ली। इसके बाद एक एक कर सभी लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। इतने से भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो एक आदमी ने आरोपी के बाल पकड़ लिए और उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मारपीट के बीच वहां मौजूद एक शख्स आरोपी को जान से मारने की बात कहते हुए भी सुना गया। इसके बाद भीड़ में जो आदमी आरोपी के साथ मारपीट का वीडियो बना रहा था वो वहां खड़े एक टेम्पो को दिखाने लगा, जिसका एक दरवाजा टूटा हुआ था जबकि उसके अंदर रखा सामान भी काफी बिखरा हुआ था। दावा किया गया कि ये टेम्पो उसी शख्स का था जिसके साथ मारपीट हुई, क्योंकि भीड़ में शामिल लोग बार बार टेम्पो पर लात मार रहे थे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। आरोपी जमीन पर बैठा रहा जबकि भीड़ उसे चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई। गाड़ी नंबर देखो, भैंसन को चूर। हद तो तब हो गई जब मारपीट के बीच भीड़ में शामिल कुछ लोग आरोपी के बताए जा रहे टेम्पो में रखे सामान को चुराने लगे। पहले उन्होंने ड्राइवर वाली सीट पर रखे स्पीकर को उठाया और बाद में सीट के नीचे रखा सामान भी चुरा लिया। निकाल लो। भीड़ यही नहीं रुकी, एक आदमी ने तो आरोपी को थप्पड़ जड़ते हुए उसे नीचे गिरा दिया और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। इस बीच आरोपी के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए नजर आए। आरोपी के पैर से खून निकलने लगा जबकि मारपीट में उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। हालांकि घटना के समय आरोपी को कुछ भी कहते हुए नहीं सुना गया, वो बस चुपचाप भीड़ की मार सहता रहा और भीड़ में शामिल लोग भी उसे पीटते रहे जिससे वो अधमरा हो गया। इसके बाद भीड़ से एक और शख्स निकल कर बाहर आया, उसने कीचड़ से सनी अपनी एक चप्पल को अमर खान नाम के आरोपी के चेहरे पर मल दिया। इस बीच घटना का वीडियो बना रहे शख्स ने एक बार फिर अपने मोबाइल के कैमरे को वहां खड़े टेम्पो की तरफ घुमा दिया और उसमें मौजूद 3 मवेशियों को दिखाने लगा। भीड़ में शामिल लोगों ने पीट रहे शख्स पर मवेशियों की चोरी का आरोप लगाया और उसके बाल पकड़ लिए। घटना की जानकारी पर पुलिस ने आरोपी अमर खान को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मवेशियों की चोरी का मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी से हुई मारपीट के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का दावा किया। इस मामले की जांच की जा रही है कि कौन सी परिस्थिति थी और कौन लोग थे वो। पुलिस ने दावा किया कि जब भीड़ ने मवेशियों के साथ अमर खान नाम के शख्स को दबोचा तब उसके साथ 5 और लोग मौजूद थे जो भीड़ के डर से भागने में कामयाब रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच रात में जमकर फायरिंग हुई। ये गोलीबारी तब शुरू हुई जब सुरक्षा बल ने सोपोर के तूजर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस बीच कुछ आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिस पर सुरक्षा बल ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, मौजूदा स्थिति क्या है, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? देखिए बिल्कुल, इस वक्त मुठभेड़ जारी है क्योंकि कल शाम को जो है कॉर्डन किया गया था इस एरिया में और वहाँ पे जब कॉर्डन हुआ तो जिसको फोर्सेस कॉर्डन लेकर रहे थे तो वहाँ पे मिलिटेंटों ने फायरिंग की और उससे पता चला कि वहाँ पे वाकई मिलिटेंट छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। अभी लगातार फायरिंग हो रही है, जो ही थोड़ी सी रोशनी आ गई तो फायरिंग में मजीद इजाफा हुआ और इस वक्त फायरिंग जारी है और बताया यही जा रहा है कि 2 मिलिटेंट वहाँ पे छुपे हैं और दोनों जो है लोकल मिलिटेंट्स वहाँ पे। जी रिफत, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुस्साई भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी। वहां नक्सलियों के हमले में टीडीपी के विधायक और एक पूर्व विधायक की हत्या के बाद इन लोगों का गुस्सा भड़क गया और बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने पहुंचे टीडीपी विधायक केएस राव के समर्थकों ने पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, गुस्साई भीड़ ने थाने के बाहर मौजूद एक पुलिस वाले को भी घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस वाले को बचाने की कोशिश भी करते दिखे। आंध्र प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि टीडीपी विधायक केएस राव पूर्व विधायक एस सोमा के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र अरुकू के लिए निकले थे। इसी दौरान गांव वालों के साथ आए नक्सलियों के एक ग्रुप ने उनकी कार को रोक दिया। आरोप है कि नक्सलियों ने विधायक के सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीनकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। नक्सलियों के हमले में विधायक केएस राव और पूर्व विधायक एस सोमा की मौके पर ही मौत हो गई। एम्स की एक नर्स से बलात्कार के आरोपी के विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक से जुड़े पहलू पर उससे दिल्ली पुलिस के साथ आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी पूछताछ की।
दिल्ली पुलिस ने केरल के रहने वाले आरोपी अमल उर्फ मोहम्मद फजल को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने उस पर फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को ये भी जानकारी दी कि आरोपी मलेशिया में रह रहे विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक की विचारधारा से प्रभावित था, जिसके बाद हुई जांच में आरोपी के फेसबुक अकाउंट से जाकिर नाइक के कई वीडियो और उस पर कई पोस्ट भी मिले। इसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी इस मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। मुंबई में रंग गुलाल और ढोल नगाड़ों के बीच लालबाग के राजा का विसर्जन गिरगांव चौपाटी पर किया गया। गणपति महोत्सव के आखिरी दिन लालबाग के राजा के विसर्जन में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जो एक दूसरे को गुलाल लगाते और नाचते गाते लालबाग के राजा के साथ चलती दिखी। विसर्जन के लिए जा रहे रास्ते पर हर जगह लालबाग के राजा का दर्शन करने और उनके साथ चलने की ललक गणेश भक्तों में लगी रही, जिसकी वजह से लालबाग से गिरगांव चौपाटी तक जाने में घंटों लग गए। लालबाग के राजा के विसर्जन में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। कई घंटों तक सड़क पर चलने के बाद लालबाग के राजा को गिरगांव चौपाटी लाया गया, जहां लिफ्ट के सहारे उन्हें समुद्र में विसर्जित किया गया। इलाहाबाद के बेली अस्पताल में एनसीसी के 30 कैडेट को बीमार पड़ने के बाद भर्ती करवाया गया। आरोपी के शहर की केपी इंटर कॉलेज में लगे एनसीसी कैंप में खाना खाने के बाद कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बीमार छात्रों की वजह से अस्पताल में भी अफरा तफरी मच गई, जिस पर उनकी हालत जानने पहुंचे जिलाधिकारी सुहास एलवाई खुद इमरजेंसी वार्ड को खाली करवाने में जुट गए। डीएम का रुख देखने के बाद उनके साथ मौजूद पुलिस वालों ने भी तीमारदारों से वार्ड से बाहर जाने की अपील की। इस बीच एनसीसी के शिविर में शामिल होने आए दूसरे छात्रों ने कैंप में खराब खाना मिलने का आरोप लगा दिया। खाने की क्वालिटी ये थी कि सुबह का खाना शाम को दिया जाता था, खाने में मेनू कभी चेंज नहीं होता था, चावल दाल रोटी सब्जी बस यही खिलाया जाता था। जबकि छात्रों का हाल जानने पहुंचे डीएम ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया। यहाँ सूचना मिली कि फूड पॉइजनिंग से बच्चों को डायरिया और डिहाइड्रेशन हुआ। जिला प्रशासन ने एनसीसी की 15वीं बटालियन के कैंप में खराब खाने के आरोपों की जांच का भी भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में राज्य के पहले और देश के 100वें पाक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम ने दावा किया कि सिक्किम में एयरपोर्ट के बन जाने से वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही नौजवानों को रोजगार भी मिलेंगे। राजधानी गैंगटॉक से करीब 33 किलोमीटर दूर पाक्योंग एयरपोर्ट के उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद रहे। पाक्योंग एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही भारत में एयरपोर्ट की संख्या 100 हो गई। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी सरकार के दौरान देश के कई इलाकों में हवाई जहाज और रेल कनेक्टिविटी पहली बार पहुंची। इसके साथ ही पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के विस्तार का दावा किया। इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत एक घंटे तक के सफर के लिए 2500-2600 रुपए तक ही देने होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरे भरे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों से घिरे पाक्योंग एयरपोर्ट को बनाने वाले इंजीनियरों की तारीफ की और उनके कौशल को सराहा, जिनकी वजह से पहाड़ों के बीच एयरपोर्ट बना और सिक्किम को पहला एयरपोर्ट मिला। अब वहां रहने वाले लोग कम वक्त में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से करीब 33 किलोमीटर दूर पाक्योंग हवाई अड्डा 4,500 फीट की ऊंचाई पर बना है। इस हवाई अड्डे को बनाने में 350 करोड़ रुपए की लागत आई और ये भारत चीन सीमा से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। पाक्योंग एयरपोर्ट बनने से पहले सिक्किम जाने के लिए पश्चिम बंगाल के बागडोगरा तक ही फ्लाइट मिलती थी और वहां से सड़क के रास्ते सिक्किम तक का सफर तय किया जाता था। यूपी के हरदोई में एक बुजुर्ग अपनी घायल पत्नी को गोद में उठाकर पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंचा। आरोपी की इनके बेटे ने अपने पड़ोस में कच्ची शराब बनाने का विरोध किया था, जिससे नाराज होकर उस कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने उस पर और उसकी मां पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग महिला का दायां पैर टूट गया। लेकिन पैर पर प्लास्टर चढ़ा होने के बावजूद महिला पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने को मजबूर हो गई, क्योंकि आरोप है कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मारपीट के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। थाने पे गए थे आप? हाँ, थाने पे। सुनवाई हुई आपकी? नहीं, सुनवाई हुई। इस मामले में पुलिस की तरफ से लापरवाही के आरोपों के बीच जिले के SP ने कार्रवाई का आदेश दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी लेकर के संबंधित थाने को भेज दी गई और निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है कि वो उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी धारा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने कच्ची शराब के कारोबार पर भी लगाम लगाने का भरोसा दिया। अमेरिका के अटलांटा में हुए PGA टूर चैंपियनशिप में गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने वापसी करते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की। टाइगर वुड्स ने अपने ही देश के खिलाड़ी बिली हर्शल को हराते हुए 5 साल बाद अपने करियर का 80वां PGA टूर खिताब जीता।
जिनके मैच में आखिरी स्ट्रोक को देखने के लिए गोल्फ के मैदान में मौजूद सैकड़ों लोग उनके पीछे भागते नजर आए। गेंद को होल में डालते ही टाइगर वुड्स ने हाथ उठाकर जश्न मना रहे लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले वो 2012 में राइडर कप प्रतियोगिता में उतरे थे। लगातार चोट लगने की वजह से मैदान से लंबे समय तक बाहर रहे टाइगर वुड्स के लिए ये जीत बेहद अहम रही। पीजे टूर चैंपियनशिप में जीत के बाद टाइगर वुड्स को ट्रॉफी और भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 12 करोड़ की राशि दी गई। टाइगर वुड्स की जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने शहर में ई रिक्शा चलाया। ऐसा उन्होंने मोदी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए किया, जिसके लिए केंद्रीय नागरिक उड़ियन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शहर में साफ सफाई का हाल जानने के लिए ई रिक्शे की ड्राइविंग सीट संभाल ली। काफी दूर तक ई रिक्शा चलाने के बाद शहर के एक हिस्से में कूड़े का ढेर देखने के बाद वो रुक गए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने हजारीबाग नगर निगम की महापौर रोशनी तिर्की को भी शहर की स्वच्छता का ख्याल रखने की नसीहत दी। कोशिश है कि इस रिक्शा के द्वारा हम लोग नगर का भ्रमण करें और देखें कि कहां कहां स्वच्छता के लिए हम लोगों को और मेहनत करनी है। बीजेपी सांसद ने लोगों से प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के तौर पर ई रिक्शा को बढ़ावा देने की अपील की। राफेल सौदे पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जांच की मांग पर अड़ गई। इस मामले में जहां जेपीसी बनाने की मांग जोरों पर है, वहीं कांग्रेस के नेता सीएजी से मिलने के बाद सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पहुंचे और लड़ाकू विमान सौदे में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा जैसे दिग्गज नेताओं ने सीवीसी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने दावा किया कि फ्रांस की कंपनी के साथ हुए सौदे में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ये सबसे बड़ा शताब्दी का घोटाला है, ये निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था। कांग्रेस ने राफेल सौदे में केस दर्ज करने के साथ सौदे से जुड़े कागजात की छानबीन की मांग की। उधर कांग्रेस समेत विपक्ष की दलील है कि राफेल सौदे की जांच के लिए बोफोर्स सौदे की तर्ज पर ही संसदीय समिति बनाई जाए। हालांकि सरकार ने एक बार फिर विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया। जो बोफोर्स की उनकी बदनाम विरासत है, उससे बेबुनियाद राफेल के मुद्दे पर सियासत करें और वो सियासत पूरी तरह से नाकाम ही हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि देश की रक्षा से जुड़े मामलों पर कांग्रेस सियासत कर रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार जेपीसी बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की दलील है कि ये पूरा मामला सीवीसी और सीएजी देख रहे हैं। उधर कांग्रेस ने जेपीसी की मांग नहीं माने जाने पर सरकार को निशाने पर लिया। अचंभा तो तब होना चाहिए आपको अगर ये मांग मान लेते। चलिए मैं ये मानता हूँ 30 सेकंड के लिए जेपीसी नहीं चाहिए। हिम्मत है तो आप बोल दीजिए कि एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो इंडिपेंडेंटली नॉमिनेट हो। मैं कह नहीं रहा हूँ, फिर आपको उदाहरण दे रहा हूँ।